हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी सेंटर में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से लेकर के और प्रश्न संख्या हम लोग देखने वाले हैं 15 तक। और आज का जो चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा व शाख, इसको भी जो है सो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है कि हमें भारत में औपचारिक ऋण के स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। भारत में जो औपचारिक ऋण के स्रोत हैं इसे बढ़ाने की आवश्यकता या फिर ज़रूरत क्यों है, इसको समझाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से है। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण क्या कहता है? पहला कारण है कि औपचारिक स्रोतों से ऋण के ब्याज दर क्या होते हैं? कम होते हैं, जो निम्न वर्गों के लोग हैं उनके विकास में क्या होता है, ये सहायक होता है। सेकेंड है, औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर लोगों को एक निश्चित समयावधि जो है सो दी जाती है और ये कहा जाता है कि उन्हें इतने दिनों में जो है सो क्या करना है कि कर्ज को वापस करना होगा, ये जो है सो कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो कहता है कि औपचारिक ऋण स्रोतों में काफ़ी अधिक जो है सो छूट दिया जाता है और यही कारण है कि लोग औपचारिक स्रोतों से ऋण लेना चाहते हैं। अगला थर्ड यहाँ पे ये मेरा 3 पॉइंट था और यही 3 कारण है जिससे जो है सो इन्हीं सभी कारणों से जो है सो हमें भारत में औपचारिक ऋण स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। कौन कौन सा 3 कारण था इसको देखते हैं एक एक करके हम लोग, एक बार देखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पहला जो था इसमें था कि इसमें ब्याज दर जो है सो कम होता है, मेन चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मेन चीज़ हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग इसमें जो पॉइंट है उसको जो है सो समझते हुए चलने वाले हैं। सबसे पहला जो औपचारिक ऋण स्रोतों का जो इसको क्या खासियत है वो देखेंगे। इसका जो ब्याज दर है वो एकदम निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, और सेकेंड है कि इसमें जो है सो एक निश्चित समयावधि हमको दी जाती है। ठीक है, ऋण को भुगतान करने का या फिर हमें जो है सो एक जो है ईएमआई निर्धारित किया जाता है कि आपको मंथ में इतना पैसा देना है, एक निश्चित जो है सो बांध दिया जाता है और हमें जो है सो भुगतान करने में भी जो है सो क्या होता है, उससे आसानी होता है। और जो थर्ड है वो है कि इसमें जो है सो काफ़ी अधिक जो है सो छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है सो 3 प्रमुख कारण है जिस कारण से हमें भारत में क्या करना चाहिए, जो औपचारिक ऋण का स्रोत है इसको बढ़ावा दिए जाने की जो है सो आवश्यकता है इन 3 कारणों की वजह से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सभी लोगों को यथोचित यानी कि उचित दर पे ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए। सभी लोगों को जो है सो उचित दर पे ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए, ये चीज़ को समझाना है। तो जो सभी लोग हैं इनको उचित दर पे ऋण उपलब्ध होना चाहिए, इसके कौन कौन से आवश्यक कारण हैं इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहला कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो है सो विकास के लिए ऋण क्या है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस कारण से इसे उचित दर पे ऋण उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, पहला कारण हमने समझ लिया। सेकंड कारण है, अगर ऋण उचित दर पे जो है सो उपलब्ध न हो तो कर्जदार को संकट का सामना करना पड़ता है। अगर ऋण जो है सो उचित दर पे उपलब्ध न हो तो जो कर्जदार है उसको संकट का सामना करना पड़ता है और उसका अधिक जो अत्यधिक आय है वो कर्ज चुकाने में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और वो अपना विकास नहीं कर पाता है। तो
इन कारणों से जो क्या चाहिए कि ये प्रयास करना चाहिए कि सभी जो लोग हैं उनको जो है उचित दर पे जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाए। ये प्रयास जो है सो सरकार के द्वारा जो है सो किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कहता है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक जो ऋण के स्रोत है इसमें क्या अंतर है, इसको जो है सो समझाना है, ठीक है। एक एक करके एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, औपचारिक जो स्रोत हैं इसमें ब्याज दर निम्न होता है। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा कि इसमें ब्याज दर निम्न होता है। इसमें जो है सो एक निश्चित समयावधि दी जाती है, ठीक है। जबकि अनौपचारिक में, अनौपचारिक जो ऋण का स्रोत है इसमें ब्याज दर बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। और सेकेंड है, इसमें जो अनौपचारिक जो ऋण का स्रोत है इसमें जो है सो निश्चित समयावधि जो है सो ऐसा कोई भी चीज़ इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है, औपचारिक ऋण स्रोतों से काफ़ी अधिक छूट दिया जाता है। औपचारिक जो ऋण का स्रोत है इसमें काफ़ी अधिक छूट दिया जाता है और आपदा के समय पूर्ण कर्ज माफ़ी भी कर दिया जाता है, ठीक है। किसी भी जैसे कि आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो बैंक क्या करता है, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, ये एक औपचारिक ऋण का स्रोत है, तो यहाँ से अगर किसान ऋण लेता है और उसका फसल अगर यहाँ पे बर्बाद हो जाता है तो सारा ऋण उसका जो है सो कर्ज माफ़ी हो जाता है। लेकिन इस प्रकार जो अनौपचारिक तरीके से ऋण लेकर के और अगर हम यहाँ पे खेती करते हैं तो मेरा फसल अगर बर्बाद भी हो जाता है तो जो वो साहूकार है वो हमारा जो कर्ज है उसमें जो है सो कोई भी यहाँ पे छूट नहीं देने वाला है और इस तरह से जो है सो हम और भी अधिक समस्या में फंस जाते हैं। इस कारण से क्या आवश्यक है कि हमें औपचारिक जो ऋण का स्रोत है यहाँ से हम लोग ऋण लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक ऋण जो है सो वो औपचारिक ऋण के स्रोत से उपलब्ध करवाने का प्रयास करें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, यह क्या कहता है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इस चीज़ को समझाना है, ठीक है। बैंक कुछ जो कर्जदार हैं इनको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उस व्यक्ति के पास पहले का कर्ज रहता है, ठीक है, पहले का कर्ज रहता है और वो जो है सो कर्ज नहीं चुकाता है, ठीक है। मान ली फसल अच्छा भी हुआ फिर भी हम बैंक को कर्ज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और नहीं चुका रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में क्या करेगा बैंक कि जो है अगर हम कोई और अगला ऋण लेना चाहें तो बैंक हमें ऋण देना नहीं चाहेगा, ठीक है। इस प्रकार जो है सो इस प्रकार का जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को बैंक क्या करता है, चिन्हित करके उन पर जो बैंक है वो प्रशासनिक जो है सो कार्रवाई करवाता है और उस प्रकार के व्यक्ति को जो है सो दोबारा कर्ज जो है सो वो नहीं देना चाहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इसमें स्वयं सहायता समूह को समझेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या है और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ये चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो जो स्वयं सहायता समूह है ये ग्रामीण आधारित वित्तीय मीडिएटर समूह है, मध्यस्थता समूह है, ठीक है, जिसमें आमतौर पर 10 से 20 या उससे भी अधिक महिलाएं या पुरुष का ग्रुप हो सकता है। विगत के कुछ वर्षों को देखा जाए तो इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, जिससे क्या हो रहा है समाज में उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, देखने को मिल रहा है। इसका कौन कौन सा कार्य है इसको देखते हैं। पहला कार्य है कि महिलाओं के अंदर जो विश्वास और नेतृत्व है, नेतृत्व का जो क्षमता है इसको ये क्या करता है, विकसित करता है। सेकंड है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है ताकि समाज में बराबरी का जो सम्मान है वो मिल सके महिलाओं को, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है गरीबी दूर करना, गरीबी को दूर किया जा सकता है इसके द्वारा। कोई भी बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह है जो कि स्वरोजगार करती हैं और इसके लिए बैंक उन्हें जो है सो ऋण भी उपलब्ध करवाती है, तो वो अपना स्वरोजगार करके और अपनी गरीबी जो है सो दूर कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट है, साहूकार से मुक्ति मिलना। साहूकार से भी जो है सो मुक्ति मिलता है, क्योंकि कर्ज लेने के लिए पहले हम लोग साहूकार के पास जाते थे, लेकिन ये स्वयं सहायता समूह के आ जाने के बाद जो है सो अब उन्हें कर्जदार के पास नहीं जाना पड़ता है, बल्कि अपने ही जो ग्रुप होता है, उनका जो स्वयं सहायता समूह होता है, वहाँ से जो है सो वो कर्ज उठा सकते हैं, इजीली उठा सकते हैं। ठीक है, स्वरोजगार को जो है सो बढ़ावा इसके द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ को हमने अभी समझ लिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण है जो कि स्वयं सहायता समूह जो है सो करती है, और इसके जो प्रमुख इम्पोर्टेंट कार्य है इसको हम लोगों ने समझा, इसका क्या क्या खासियत है इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य लिखना होगा तो उद्देश्य में भी यही चीज़ को लिखेंगे, एक दो चीज़ इसमें से आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो मुद्रा व साख चैप्टर है, यहाँ पे इंड इंड करता है। और आपको बता दें कि हम कल से एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे उसका इंट्रो क्लास लेकर के, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस ये सभी जो है सो देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप जो है सो वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है सो लॉकडाउन की परिस्थिति में जो है सो जो आपका यहाँ पे व्यक्ति हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 10th का और SST पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और लगातार जो है सो हम क्लासेज प्रोवाइड करने का यहाँ पे जो है सो प्रयास कर रहे हैं। कुछ कुछ यहाँ पे जो है सो दिन आपको क्लासेज नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए जो है सो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे, और पिछला वीडियो को अच्छे तरीके से समझते हुए आपको नोट्स यहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए चलना है। पहले भी जो है सो हम लोगों ने काफ़ी अधिक जो है सो वीडियो किया है, तो वो सभी वीडियो को आपको देखना है, तो वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न किया है, तो उन सभी वीडियो पिछला वीडियो जो भी मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है सभी को जो है सो आप लोग देखते चलिएगा। जो जब हमारा क्लासेज जिस दिन नहीं आता है, कम से कम आपको एक वीडियो डेली जो है सो हमारे चैनल पे देखना है, ताकि जो है सो आपका ये डेली का रूटीन हो सके। ठीक है, और मेरा प्रत्येक वीडियो आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ही छोटा होता है, 10 से 15 मिनट का होता है, कोई कोई वीडियो होगा जो कि 25 मिनट 30 मिनट तक गया होगा। ठीक है, बाकी सारा वीडियो मेरा छोटा होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।